वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। लवली आनंद खफा हैं और उनकी नाराजगी के निशाने पर हैं सुशासन बाबू नीतीश कुमार। लवली कहती हैं कि उनके पति को जेल में डालकर नीतीश बाबू राजसत्ता में मगन हो गए, इसलिए कभी डॉन की डमी के तौर पर पहचानी जाने वाली लवली 2020 के चुनावों में बदला लेने के लिए कमर कस चुकी हैं। जी हां, डॉन की डमी, ये नाम लवली आनंद समेत राजनीति के मैदान में उतरी कई बाहुबली नेताओं की बीवियों को मिला। 2009 में जब कोर्ट ने आपराधिक मामलों में बंद कई बाहुबली नेताओं को चुनावों में खड़े होने की अनुमति नहीं दी, तो उन्होंने वही रास्ता अपनाया जो कभी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर लालू प्रसाद यादव ने अपनाया था। आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद भी इससे अलग नहीं थे, लेकिन जनता ने डॉन की डमी बनी सभी बीवियों को सिरे से खारिज कर दिया, लवली आनंद को भी, और नतीजे में मिली चुनावों में करारी हार। लवली आनंद ने सियासी सफर की शुरुआत अपने पति आनंद मोहन सिंह की बिहार पीपुल्स पार्टी से ही की थी। 1994 में वैशाली संसदीय सीट पर हुए उपचुनावों में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा को हराया था। 1995 के बिहार विधानसभा चुनावों में राज्य ने पहली बार लवली आनंद का जादू देखा था। लवली आनंद भाभी जी के उपनाम से मशहूर हुई थी। उस दौर में जनसभाओं में उनको सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखते ही बनती थी। रैलियों में बेतहाशा लोग उन्हें सुनने आते थे। लालू जैसे दिग्गज नेताओं की रैली में भी लवली आनंद की रैली की जैसी चमक दमक नहीं दिखाई देती थी। सवर्ण वोट बैंक पर राजनीति कर रही बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पास भी भाभी जी का कोई तोड़ नहीं था। 2014 के आम चुनावों से पहले वो कांग्रेस में थीं, लेकिन कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, जिसमें उनकी हार हो गई। 2015 में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर से भी जुड़ी थी। जनवरी 2019 में लवली आनंद फिर से कांग्रेस से जुड़ी, हालांकि अपने पति को जेल से बाहर लाने की लालच में उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के समर्थन में प्रचार किया, लेकिन अब लवली आनंद कह रही हैं कि वे आरजेडी के साथ खड़ी हैं। तेजस्वी यादव उन्हें जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अब आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।